गांव बुढ़वारी में आज तीसरा दिन चल रहा है झिकड़ी भजनों के प्रोग्राम को। आप सुनेंगे बहुत सुंदर सुंदर भजन सभी कलाकारों द्वारा। सबसे पहले जो जनता जनार्दन बैठी है कृपया शांति बनाए और मेरी माता बहना है बड़े शांति के साथ बैठ जाएं। सबसे निवेदन है शांति बनाए रखें और परम आदरणीय पंच कमेटी जनता जनार्दन सभी मेरी माता बहना है सभी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए ये अनुरोध करूंगा झिकड़ी भजनों का आनंद लें। लेकिन फौजी भैया कभी ने क्या लिख दिया और क्या बता दिया है, पर की डार
सरदारों, मेरा वही प्रसंग है जहां मैंने कल भजन को छोड़ा था। दुर्योधन की सेना में वो सल सेनापति बन जाते हैं, लेकिन जब शाम हुई तो डेरा डाल दिए। इंतजार सुबह का, लेकिन भैया फौजी धर्मराज कह रहे हैं, अरे कन्हैया मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, क्योंकि सामने ये सल मेरे मामा लगते हैं, मैं कैसे बाण चलाऊंगा। अब तुम्हें समझाया कि द्रोण गुरु हाथ तनते मारे, द्रोण गुरु हाथ तनते मारे और भीष्म बाबा मारे हैं, और जब का गए तुम्हारे रिश्ते मारे जीजा सारे हैं। सो सीधे बाण चला तक तके, सीधे बाण चला तक तके और नाते मती निभावे, अरे होगी तो देखी जावे। भैया सीधा युद्ध कर, लेकिन जैसे ही शाम हो गई अपने अपने शिविर में सभी चले गए। अब सुबह होने वाला है और क्या बता कभी ने, व्यूह आकार
बनाए चढ़ आए। सुन सिंहनाद गण को आपकी सेना भागने लगी। प्रभु जैसे सेना भागी इधर उधर,
सल महाराज ने देखा अब तो हम युद्ध हार जाएंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने, बोले सल्ले सारथी मेरे रथ को आगे सरकियो, जहां पर खड़े युधिष्ठिर राजा ठीक सामने पहुंचियो, सो टूट पड़े पंडन पे जाके, टूट पड़े पंडन पे जाके अवनाय रोका खावे और होगी सो देखी जावे। भैया एकदम से सल पांडवों की सेना पर टूट पड़े, लेकिन हुआ क्या आगे भैया, नकुल क्या कर रहे हैं, भैया देशवाल जी ढाल अल बार उठा
दर्शन दो घनश्याम ना तो मोरी अखियां प्यासी रहे। द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर से तू ना बोले कहे सुना अर्जुन बे बात बकत
असली छत्री भाई जानो, अब असली छत्री भाई जानो, जो वीर समर में, अरे असली छत्री भाई जानो, जो वीर समर में डट जागो, और दुनिया पीछे हंसी हंसेगी, अरे दुनिया पीछे हंसी हंसेगी, चोरों से पीछे हट जाएगो, पर छत्रापन को दाग लगेगो, अरे छत्रापन को दाग लगेगो, धर्म तुम्हारो कट जाएगो, लेकर कन्हैया ने समझाया, अर्जुन से, अर्जुन सुनो, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। क्यों? मैं जो कहूंगा उस बात को जरा ध्यान से सुनना। गीता के दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में कन्हैया जी ने कहा है, करवंडे बाध कार से मा फले सुकदाचन, मा करम फल हे तुर्भूर्मा, ते संगो अस्त्व कर्मणि। अर्जुन, तुझे कर्म करने में सार है, लेकिन अर्जुन ने कहा, ये भी दूसरे अध्याय में जवाब सवाल हो रहे हैं, गीता जी के दूसरे अध्याय का श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, प्रच्छान्न त्वाम धर्म समूढ चेता, यच्छयाश्चान निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यते अहं साधे मां त्वाम प्रपन्नम्। कन्हैया, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आगे क्या बता दिया भैया। धर्म रहना चाहिए आदमी का। कहे महावीर